नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं समर इंडिया न्यूज। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। कोविड 19 के चलते देश की अर्थव्यवस्था पर असर तो पड़ा ही था, वहीं कई के व्यापार व रोजगार खत्म हो गए थे। तो वहीं शिक्षा के क्षेत्र में अभिभावकों को बच्चों की फीस जमा करने के भी लाले पड़ने लगे थे। बच्चे घर पर पढ़कर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, तो वहीं विद्यालयों की ट्यूशन फीस और अन्य फीसें अभिभावकों के सिर पर चढ़ रही थी। ऐसे में सवाल यह था कि कोरोना काल सत्र 2020-21 की स्कूल की फीस कैसे जमा करें। ऐसे में कोर्ट ने अभिभावकों की चिंता को समझते हुए CBSE स्कूल प्रबंधकों को आदेश दिया कि कोरोना काल सत्र 2020-21 में स्कूलों ने जो अभिभावकों से फीस वसूली उसका 15% धनराशि अभी आपको वापस की जाए। यह आदेश निकलते ही TIOS ने जिले के सभी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को पत्राचार कर अभिभावकों को कोरोना काल सत्र 2021 में वसूली गई फीस का 15% वापसी करने के निर्देश दिए। कुछ विद्यालयों ने फीस वापसी की, कुछ अपने रुतबे के दम पर कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना करते रहे। ऐसे में जिला विद्यालय निरीक्षक गिरजेश चौधरी ने बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुसार कुछ विद्यालयों ने फीस वापसी करने की प्रतिक्रिया को पूरा किया। कुछ CBSE स्कूल प्रबंधकों ने ना तो विभागीय पत्राचार का जवाब दिया और ना ही कोर्ट के आदेश का पालन किया। ऐसे में उन विद्यालयों को एक बार रिमाइंडर दिया जा रहा है, फिर भी कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया तो नोटिस जारी कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सभी जो कोर्ट का आदेश है कि 15% फीस विद्यालयों को कोरोना समय की वापस करना चाहिए, उसमें पीलीभीत में कितने विद्यालयों पर कार्रवाई हो रही है और कितने फीस वापस की? देखिए, माननीय न्यायालय का आदेश आने के उपरांत सभी विद्यालयों को इसके संबंध में निर्देशित कर दिया गया था। कुछ विद्यालयों द्वारा उसमें लेटर भी हमारे प्राप्त हुए हैं कि उनके द्वारा फीस वापस करने की कार्रवाई की गई है, परंतु काफ़ी विद्यालय ऐसे रह गए हैं जिनके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है, जिसके संबंध में उन्हें पुनः रिमाइंडर लिखा गया है और इसकी सूचना जो है एकत्र की जा रही है। कितने विद्यालय हैं ऐसे? अब वो थोड़ा देखना पड़ेगा, मुझे ऐसे याद नहीं है कितने विद्यालय हैं। क्या अग्रिम किस प्रकार का कोई जो विद्यालय नहीं मान रहे हैं उन पर किस प्रकार? अगर कोई विद्यालय नहीं मानना है तो उन्हें नोटिस दे के उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो कोरोना काल में 2020 और 21 के समय में कोर्ट ने आदेश दिया था स्कूलों को कि जो कोरोना काल में बच्चों के लिए जो फीस जमा हुई है उसका 15% स्कूल वापस करेंगे, क्या लगता है उसमें आपको कुछ राहत मिली है? बिल्कुल नहीं सर, यहाँ तो पहले तो हुआ नहीं, किसी स्कूल में हुआ। हमारा बच्चा बेघर में पढ़ता है, बिल्कुल हमें तो एक रुपये का कुछ नहीं मिला वापस, कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ सर। यहाँ कोर्ट आदेश करता है, नहीं होता सर।